हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं जाह्नवी कपूर की फिल्म उलझ के शुरुआती 11 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करें अगर फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट तकरीबन 36 करोड़ है। और बात करें अगर इस फिल्म के स्क्रीन काउंट की, तो इंडिया में इस फिल्म को लगभग 700 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया है, तो वहीं ओवरसीज़ में इस फिल्म को लगभग 200 स्क्रीन के साथ रिलीज़ किया गया है। यानी कि इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 900 स्क्रीन के साथ रिलीज़ किया गया है। और बात करें अगर इस फिल्म के कलेक्शन की, तो इस फिल्म का कलेक्शन पहले दिन लगभग 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया था इस फिल्म ने। और बात करें इस फिल्म के पहले वीकेंड यानी शुरुआती 3 दिनों कलेक्शन की, तो पहले वीकेंड में इस फिल्म ने लगभग 4 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन किया था। और बात करें फिल्म के पहले हफ्ते की कलेक्शन के बारे में, तो पहले हफ्ते में इस फिल्म ने लगभग 7 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया था। और बात करें इस फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने 8वें दिन इंडिया से 35 लाख का कलेक्शन किया, और वहीं इस फिल्म ने अपने 9वें दिन इंडिया से लगभग 58 लाख का कलेक्शन किया। और बात करें फिल्म के 10वें दिन, तो 10वें दिन भी इस फिल्म कलेक्शन में यानी कल के दिन भी कलेक्शन में थोड़ा ग्रोथ नहीं दिखा, और ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा, और इस फिल्म ने लगभग 62 लाख का कलेक्शन किया, जिससे इस फिल्म के शुरुआती 10 दिनों का जो इंडिया नेट कलेक्शन है वो हो चुका है लगभग 8 करोड़ 75 लाख। और इस फिल्म ने अब तक 90 लाख का कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म के शुरुआती 10 दिनों का जो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो हो चुका है लगभग 11 करोड़ 40 लाख। और बात करें फिल्म के आज के कलेक्शन यानी 11वें दिन के कलेक्शन की, वह तो आज इस फिल्म का कलेक्शन में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी। आज ये फिल्म ने 11 दिन इंडिया से लगभग 25 लाख का कलेक्शन करने वाली है।